नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है यदि आपसे घूस कोई मांगे तो। सरकारी कर्मचारी घूस लेने के लिए अधिकतर पब्लिक को परेशान किए रहते हैं, जिससे पब्लिक परेशान रहती है। उनका जीवन जेन्युइन ही काम होने के लिए, काम करने के लिए सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है और पब्लिक परेशान होकर रिश्वत उनको देने में आमादा भी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि रिश्वत देने पर भी काम नहीं होता है। रिश्वत कोई मांगे तब क्या करना चाहिए? रिश्वत के लिए वरासत दर्ज करने के लिए, विवेचना करवाने के लिए, FIR में से नाम हटवाने के लिए, RTO में DL, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फिटनेस करवाने के लिए, कभी कभी थाने पर FIR करवाने के लिए भी रिश्वत मांगी जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? इसके लिए इंडियन पेनल कोड 1866 में व्यवस्था की गई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, RTI एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लीगल बॉडी है। दो बॉडी काम करती है, एक है CBI और दूसरा है एंटी करप्शन ब्यूरो, जो प्रांत में काम करती है। सवाल है कि कोई घूस मांगे तो क्या करें? तो सीधे सीधे हिम्मत जुटाकर उनकी कंप्लेन आप ज़िले के SDM व DM को करें। साथ ही यदि नहीं सुनवाई होती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंटी करप्शन ब्यूरो की ऑफिस होती है, जहां पर आप सीधे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। करप्शन ब्यूरो वाले आपको बुलवाएंगे और साथ ही जो नोट आप उनको देने वाले हैं, जो आपसे घूस में मांगा गया है, उससे कम धनराशि आप से मंगाएंगे और उसके बाद उस धनराशि को लेने के बाद उस धनराशि में केमिकल लगाएंगे। केमिकल लगाने के बाद अपनी एक योजनाबद्ध तरीके से योजना तरीका तैयार करेंगे, तरीके से घुसखोर को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ लेंगे। अब आप समझेंगे कि रंगे हाथ तो सब लोग नाम सुनते हैं। रंगे हाथ उसी को कहते हैं कि जो घूस की रकम दी जा रही है उसमें पहले से ही केमिकल लगा हुआ है। जिसको घूस की रकम पकड़ने वाले को उसका हाथ धुलवाने पर उसमें से लाल रंग निकलता है, जिसे CC में पैक करके सील बंद कर देते हैं, वह सबूत के तौर पर हो गया। वह धनराशि घूस देने वाले को पुनः वापस हो जाती है, क्योंकि सबूत के तौर पर वह धनराशि उनसे ली जाती है। एंटी करप्शन टीम जाल बिछाकर घुसखोर को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। तो मैं हूँ GP गुप्ता और आपको नई नई सूचना मैं देते रहता हूँ। आप लोगों की बहुत बार से फरमाइश आ रही थी कि एंटी करप्शन के बारे में बताया जाए। YouTube GP News चैनल।